जुबैर साहब से एक मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई थी, तो यानी अगर ऐसी किसी मुलाकात के लिए आपकी पार्टी को बुलाया जाए तो अब ऐसी कोई मुलाकात नहीं होगी? देखिए, जुबैर साहब की मुलाकात अपनी जाती सतह पर थी, वो जमात की तरफ से नहीं थी। अगर उसको ये रंग दिया जाए कि वो जमात की तरफ से थी तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने बड़े वाजे तरीके से कह दिया कि जो बात भी किसी ने करनी है वो पार्लियामान में होनी चाहिए, अगर मुल्क के मामलात हैं। अगर कोई और बात करनी है कोई, तो वो अवाम के सामने होनी चाहिए। ये बंद कमरों में मुलाकातें और खुफिया मुलाकातें, ये हमेशा मुल्क के लिए नुकसान का बाइस ही हुई हैं। लेकिन शायद साहब, अगर इसी नुकसान की बात करें तो आप लोगों को सियालकोट के अंदर भी जो है ये एक जो PP38 की जो सीट थी, ये नून लीग की अपनी सीट थी, लेकिन उसके अंदर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उस पर भी जो तजियाकार है वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि पार्टी के अंदर एक तजाद पाया जाता है और आपस में टीम वर्क नहीं है, जिस तरह पूरी कैंपेन के अंदर हमजा शहबाज कहीं नजर नहीं आए, जबकि पंजाब के अंदर नेटवर्किंग के हवाले से उनका एक बड़ा अहम कलीदी किरदार है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आए और पार्टी को आखिर नुकसान उठाना ही पड़ा। जी बिल्कुल, इलेक्शन होता है, एक जमात हारती है एक जीत जाती है, वहां पर जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा बन चुका है, जो वहां पर धांधली वो भी तारीख का हिस्सा है। ये तो जब मैं हमेशा कहता हूं कि ये मामला जब इस मुल्क में ट्रुथ कमीशन होगा, ये सब हकायक अवाम के सामने आएंगे कि सियालकोट के इलेक्शन में क्या हुआ, कौन से वसाइल इस्तेमाल हुए, किस तरह हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई, किस तरह सिलेक्शन को मैनेज किया गया, ये सब हकायक आ जाएंगे। अब उसका रिजल्ट आ चुका है, बात खत्म हो गई, आगे चले। आपने जिसने फतह हासिल की वो उस फतह को भुगत लेगा। जब भी आप अवाम के मैंडेट की नफी करते हैं आप अपना ही नुकसान करते हैं, आप मुल्क का नुकसान करते हैं, आप इस मुल्क के सियासी निजाम का नुकसान करते हैं। नहीं शायद साहब, लेकिन अगर अगर ऐसी कोई धांधली हुई है तो पता तो लगे ना, क्योंकि ये तो वो जिस तरह कहते हैं कि जी असोर लूजर वाली बात है कि जी हार गए तो इसलिए धांधली हुई है। इससे पहले जिमनी इलेक्शंस के अंदर नून लीग जब तक जीत रही थी तब तक सब ठीक था, अब इस मरतबा हार गए तो कहा कि जनाब धांधली हो गई है, कोई इसका कोई सबूत तो सामने रखिए। मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया ना कि अब हम इतनी हमने तरक्की हासिल कर ली है इलेक्शन की धांधली में, इसके अब सबूत नहीं होते, अब वो नजर नहीं आते कि ये यहां पर जी बैलेट भर रहे हैं। या हर तरीका आजमाया जाता है, जब एक थानेदार जाकर इलाके के लोगों को बोलेगा इकट्ठा करके कि तुमने वोट इधर डालना है, जब पटवारी जाकर बोलेगा, जब तहसीलदार बोलेंगे, जब हुकूमत के अफसरान बोलेंगे, जब अरबों रुपए के वादे किए जाएंगे, जब पैसे लगाए जाएंगे, तो धांधली हो गई ना। धांधली सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होती, धांधली एक मुनज़्ज़म धांधली इस मुल्क में बदकिस्मती से आ चुकी है, और इसको रोकने की जरूरत है। वरना अगर जिस मुल्क में वोट के एहतराम नहीं होगा, वोट की इज्जत नहीं होगी, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वैसे शाहिद साहब, ये जिस किस्म के इल्जाम आप लगा रहे हैं, 2013-2014 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एग्जैक्टली यही इल्जाम आप लोगों की जमात के ऊपर लगाया करती थी, तो बदला क्या है? एक ही बात है सर, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। वो भी यही कहते थे मैं हकायक बयान कर रहा हूँ, मैं जो देखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ कि हमें ये काम छोड़ने होंगे वरना हमारा मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन शायद साहब फिर इसका मतलब, अब 3 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को, इस महीने 3 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर 3 साल के बाद आज ऑपोजिशन का, मैं तो यही कह सकता हूँ फिर कि 3 साल के बाद ऑपोजिशन मजीद कमजोर हो गई है जो पहले 2018 में थी। ऑपोजिशन तो पे खड़ी होती है, कमजोर तो हुकूमत होती है, कमजोर तो मुल्क होता है। आज 3 साल गुजरने के बाद आप एक इंच भी किसी शोबे में आगे बढ़े हैं? आप पूरा मुआवजा कर लें 3 साल में, किसी शोबे में, मईशत में, सियासत में, अदल के निजाम में, गवर्नेंस में, खारजा पॉलिसी में, अंदरूनी पॉलिसी में, कोई एक शोबा ऐसा है जहां कोई मुस्बत कदम हुआ है? ये 3 साल आपने मुल्क जाया कर दिए, और सिर्फ जाया नहीं किए बल्कि आपने मुल्क का नुकसान कर दिया है कि आपको वापस 2018 में जाने के लिए कई और साल दरकार होंगे। इसका जवाब कोई देने वाला है? इसका जवाब बड़ा वाजे है कि जो 2018 में इलेक्शन चोरी हुए थे ये सब उसका नतीजा है कि आज मुल्क जवाल पजीर है। तो शाहिद साहब, अगला इलेक्शन कब देख रहे हैं आप वैसे, क्योंकि इस सिलसिले में भी बड़ी चहमगोइयां होती हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अपने वर्कर्स को कहते हैं जी इलेक्शन की तैयारी करें, कुछ इस किस्म की हवा आप भी देख रहे हैं?
हर सियासी जमात को पार्लियामानी निज़ाम में हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे मुल्क का हल ही आज जल्द अज जल्द इलेक्शन में है, लेकिन एक शफाफ इलेक्शन में है। सियालकोट वाले इलेक्शन में नहीं है, आज़ाद कश्मीर वाले इलेक्शन में नहीं है, जीबी वाले इलेक्शन में नहीं है। शफाफ इलेक्शन हो जिसमें वोट को इज्जत मिले और अवाम की राय का एहतराम हो। तो शाहिद साहब, आज अगर मिसाल के तौर पर मैं चलें, अगर आज से एक महीने बाद या छः महीने बाद या इवन एक साल के बाद भी इलेक्शन की बात करता हूं, तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अंडर ये इलेक्शंस होते हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी के ऊपर आप खुश हैं, मुतमईन हैं? देखिए, मुझे इलेक्शन कमीशन पे खुश या नाराजगी का क्या हक ही हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि अपने आईनी हदूद, अपने आईनी दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ये उसकी चॉइस नहीं होती कि किसी को खुश करे, किसी को नाराज करे। तो इलेक्शन कमीशन को अपने उसके अंदर, अपने हदूद के अंदर काम करना है और इलेक्शन डिलीवर करना है। तो इलेक्शन कमीशन में मैं कम से कम ये तवक्को करूंगा कि इलेक्शन कमीशन जो खराबियां हैं, जब वो खराबी को देखे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन वो जो मुल्क आईन के मुताबिक ना चल रहा हो, जिसमें कानून की कोई हैसियत ना हो, फिर इलेक्शन कमीशन भी मजबूर होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कोई असला तो नहीं रखता ना, वो तो एक कानूनी इख्तियार रखता है, आईनी इख्तियार रखता है। अगर आईन का एहतराम ना हो तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? ये हम सब के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है आज कि हम ये फैसला कर लें हम मुल्क को चलाना कैसे है, क्योंकि मुल्क अगर हम जिस तरह हम चला रहे हैं आईन तोड़कर, कानून तोड़कर, तो मुल्क नहीं चल पाएगा। शायद साहब, किससे बात करनी पड़ेगी इस सारे मामले को हल करने के लिए? मैं सीधा सवाल करता हूं, लेट्स स्टार्ट नेमिंग पीपल, किससे बात करनी पड़ेगी? अपने आईनी हदूद में रहें, जो इदारा भी अपने आईनी हदूद में रहे, ये कोई मुश्किल काम है? पूरा मुल्क, पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। ये आईन को बदल लें, ये भी इख्तियार हमारे पास हासिल है। नादरा या इस किस्म के इदारे तो अपनी आईनी हदूद से बाहर नहीं है ना, किससे बात करेंगे कि जो अपनी आईनी हदूद से बाहर आ गया तो किससे बात की जाएगी फिर? जी, अगर नादरा इलेक्शन कमीशन के इख्तियार संभाल ले तो आईनी हदूद तो टूट गई, ठीक है। अगर कोई और इदारा संभाल ले तो आईनी हदूद तो टूट गई, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि मामलात क्या हैं, हम सब जानते हैं कि हम कहां पहुंच गए हैं। इसलिए हमें जरा इन बातों को सोचकर, ये संजीदा बातें हैं, ये इलेक्शन में, ये टीवी प्रोग्राम पर पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क के हालात बड़े तल्ख हैं और अगर हमने दुरुस्त ना किया तो इस मुल्क के 22 करोड़ जो लोग हैं उनके सामने हम जवाबदेह होंगे। ये 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला होता है इलेक्शन, ये खेल नहीं है जिसको हमने खेल समझ लिया है, इसको इधर तोड़ दें, इसको उधर ग्रुपिंग कर दें, इसको इधर बना लें, ये चीज़ें नहीं चलती। मुल्क नहीं चल रहा आज, 2018 में हमने कोशिश कर ली, मुल्क नहीं चला। तो शाहिद साहब, इस सारे मामले में जो आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं, तो क्या फिर बेसिकली यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे? नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए हैं और इलाज करवा कर आएंगे। हम ये भूल जाते हैं, मैं तीन बातें आपके सामने रख दूंगा कि नवाज शरीफ साहब को हमने हुकूमत से निकाला, हुकूमत तोड़ दी, हमने उनको नाहेल करार दे दिया, हमने उनको सियासत से निकाला, हमने जज को ब्लैकमेल करके उनको जेल डाल दिया। बीमार थे, हुकूमती इदारों ने सब एग्जामिन किया, अदालत ने इजाजत दी, इलाज करवाने गए हैं, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो आ जाएंगे। ये उनकी खुशकिस्मती है या ये सियासत की हकीकत है कि आज ये सब कुछ करने के बाद भी मैं और आप टीवी प्रोग्राम पर नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, आज भी मुल्क की सियासत के मेंबर नवाज शरीफ हैं? तो इससे बड़ी कामयाबी तो सियासी शख्सियात की नहीं होती। तो लेकिन शाहिद साहब, मरियम नवाज साहब तो ये कहती हैं कि उनकी जान की हिफाजत का मसला है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे, तो इस वजह से वो उनको आने नहीं दे रही, लेकिन आप वजह तो कुछ और बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जान को खतरा है, बीमारी की वजह से खतरा है, यहां पर हिफाजत का कौन जिम्मेदार है? जहां पर आप जजेस को ब्लैकमेल करके सजाएं दिलवा रहे हो तो वहां कुछ भी हो सकता है। तो मरियम नवाज साहिबा से अदालत के बाहर एक सवाल हुआ था, उसका उन्होंने जवाब इस पैराए में दिया था। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के पास भी है, हुकूमत के पास भी है, उसकी आज तक कोई नफी नहीं हो सकी और वो रिपोर्ट बड़ी वाजे है।
नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सवालात का जवाब दे रहे हैं। वो चंद और सवालात होंगे, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।